हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो। कैसे हैं आप सब? मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है कि उनको बहुत सारे पिंपल्स हो रखे हैं और उसके लिए उन्हें कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। इनफैक्ट मेरे खुद के भी पिंपल्स हो रखे हैं, तो मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी कि कोई ऐसा फेस वॉश मुझे मिले सो दैट मैं उससे मेरे पिंपल्स जल्दी से ठीक हो जाएँ। तो मैंने ऐसे ही आहा ग्लो फेस वॉश यूज़ किया है और मैं इसका रिव्यू आज आपके साथ शेयर करूँगी। ये उनके लिए जिनके बहुत सारे पिंपल्स हैं और वो उसे ठीक करना चाहते हैं। और तो पिंपल्स के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इसका क्या रीज़न है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे रीज़न में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कौन सी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है और इसके कुछ प्रिकॉशंस भी हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। सो बेसिकली आहा ग्लो एक फेस वॉश है जो कि टोरेंट फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है। इसका जो प्राइस है दैट इज़ कॉस्टिंग 389 फॉर 100 ग्राम। ईज़िली आपको कभी भी कॉस्मेटिक शॉप में या फार्मेसी शॉप में मिल जाएगा। आप इसे चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा जो ये फेस वॉश है ये बेसिकली पिंपल्स के लिए है, लेकिन इसके और भी बेनिफिट है, जैसे कि ये फाइन लाइंस को ठीक करने में हेल्प करता है या फिर रिंकल्स हैं अगर आपके तो उसके में भी ये बेनिफिशियल है। जैसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स पूछते रहते हैं कि उनकी स्किन टाइप ऑयली है या उनकी स्किन टाइप ड्राई है तो उनके लिए कौन सा फेस वॉश ठीक रहेगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि आहा ग्लो फेस वॉश ऐसा है आपकी हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। आपकी अगर ड्राई स्किन है या फिर ऑयली स्किन है तो आपके लिए ही सूटेबल है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा जेल यूज़ किया गया है, इसके अंदर विटामिन ई यूज़ किया गया है जो दोनों ही मेरे फेवरेट प्रोडक्ट हैं फॉर स्किन एंड हेयर। और इसके अलावा इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड भी यूज़ किया गया है। इसका थोड़ा सा प्रिकॉशन हमें लेके चलना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि इसे कैसे लगाना है। ये ट्रांसपेरेंट सा कलर का और इसकी स्मेल थोड़ी मेडिसिन जैसी है, बट कोई बात नहीं, इसकी स्मेल इतनी भी हार्श नहीं है। इसके अलावा जो इसके बेस्ट पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया इसके इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, तो एलोवेरा जेल बेसिकली स्किन की रिंकल्स वगैरह को भी ट्रीट करने में हेल्प करता है और जो डेड स्किन सेल है उसको रिमूव करके जो न्यू सेल आती है उसको बिल्डअप करने में हेल्प करता है। और जो विटामिन ई है वो एक तरीके का एंटी ऑक्सीडेंट है जो कि हमारे स्किन में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। जो ग्लाइकोलिक एसिड इसके अंदर यूज़ किया गया है उसके भी इसके फंक्शन है। तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। हमारी स्किन में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन ब्रीद कर पाती है। जब उस स्किन में डर्ट और ऑयल फंस जाता है उसकी वजह से क्लॉगिंग हो जाती है और उस क्लॉगिंग की वजह से कई बार उस पर बैक्टीरिया अटैक करते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन पर पिंपल हो जाते हैं। कई बार ये डाइजेशन की वजह से भी हो जाता है। तो अगर आपके पिंपल्स हो रखे हैं क्लॉगिंग की वजह से तो ये इसको ट्रीट करने में हेल्प करेगा क्योंकि ये सारे क्लॉग को साफ करने में हेल्प करता है विद ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड का एक इफेक्ट ये है कि स्किन को थोड़ा ड्राई करेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ये फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ इसके साथ आप एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी हमेशा अप्लाई करें। जैसे अगर आप इसे मॉर्निंग में फेस वॉश कर रहे हैं और इवनिंग में फेस वॉश कर रहे हैं तो मॉर्निंग और इवनिंग आफ्टर अप्लाइंग फेस वॉश आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी यूज़ करें। ये जो क्रीम है ये आपकी 100 ग्राम है और अगर आप इसे मॉर्निंग और इवनिंग यूज़ करते हैं तो ये आराम से आपकी 2 मंथ तक चलेगी। तो जैसे मैंने बताया इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है, लेकिन इफ़ेक्ट के हिसाब से आपको ये ज़्यादा महंगा नहीं लगेगा। इसके कुछ प्रिकॉशंस आपको ज़रूर लेने चाहिए जब आप इस फेस वॉश को यूज़ कर रहे हो, जैसे कि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, मैंने आपको पहले भी बताया आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट है और इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें इसे यूज़ करने से पहले। अगर आप इस फेस वॉश को डेली यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि धूप में निकलने से पहले आप सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि ये डेड स्किन सेल को रिमूव करने में हेल्प करता है, तो उसकी वजह से सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। अगर आपको भी एक्ने है और आपने कोई और फेस वॉश या कोई क्रीम यूज़ किया है जिससे वो ज़्यादा इफेक्टिव लगा है तो प्लीज़ मेरे साथ और हमारे सारे व्यूअर्स के साथ उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स के ज़रिए और ये वीडियो उनके साथ शेयर करें जिनको पिंपल्स हो रखे हैं और वो उसका सोल्यूशन लाना चाहते हैं। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल इन्फो अप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।